नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही प्रिय चैनल प्राचीन ज्ञान में। दोस्तों, पौष पूर्णिमा के बाद जब सूर्य भगवान धनु राशि को छोड़कर मकर संक्रांति में प्रवेश करते हैं तो उस दिन को हमारे देश में मकर संक्रांति माना जाता है। दोस्तों, मकर संक्रांति ही एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो पूरे भारतवर्ष में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। हो सकता है कि भारत के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग प्रांतों में मकर संक्रांति को अलग अलग नामों से जाना जाता हो। दोस्तों, जनवरी का जो महीना होता है इसकी 14 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, ये तीन ऐसी तारीखें हैं जब ही मकर संक्रांति का दिन पड़ता है। बहुत बार देखा गया है कि मकर संक्रांति का जो दिन होता है वो 12 तारीख को पड़ता है, परंतु इस बार जो मकर संक्रांति पड़ रही है वो 14 तारीख को पड़ रही है। हिंदू पुराणों के हिसाब से मकर संक्रांति का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर भगवान विष्णु जी की, भगवान सूर्यदेव जी की और माता लक्ष्मी जी की आराधना की जाए तो जन जन्मांतर की गरीबी खत्म हो सकती है। दोस्तों, मकर संक्रांति का ही एक ऐसा दिन होता है जो कई तरीके की आपके कष्ट को, परेशानियों को और जन जन्मांतर की गरीबी को चुटकियों में ख़त्म कर सकता है। जैसा हमने आपको बताया कि खुद भगवान सूर्य जी धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। और दोस्तों, एक बात ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपके ग्रहों की चाल अच्छी होती है आपके लिए तो आपके जीवन में सब कुछ अच्छा होता है, और जब भी ग्रहों की चाल आपके लिए बेकार होती है तो आपके जीवन में सब कुछ बेकार हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये बात ना पता हो शायद, तो एक बात जान लीजिए, शनि महाराज जी ही के कारण आपके ग्रहों की चाल बनती है और बिगड़ती है, और सूर्य भगवान शनि भगवान जी के पिता होते हैं। दोस्तों, कथाओं के अगर बात माने, जब हिंदू पुराणों की बात माने, तो उसमें यह कहा गया है कि सूर्य भगवान जी जो हैं वो शनि महाराज जी से मकर संक्रांति के दिन मिलने जाते हैं। इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर मकर संक्रांति के दिन सही तरीके की पूजा आराधना करता है तो सूर्य भगवान जी के साथ उसको शनि महाराज जी का भी आशीर्वाद मिलता है। दूसरी तरफ, मकर संक्रांति के दिन कुछ ऐसे टोने हैं, टुटके हैं, जो अगर किए जाएं और साधना सही तरीके की जाए तो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी का भी आशीर्वाद मिलता है। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, कष्ट में हैं, आपके पीछे गरीबी पड़ी हुई है, दरिद्रता का वास आपके घर पर हो रखा है, रोज़ घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो मकर संक्रांति ही एक ऐसा दिन है जिस दिन इस तरीके की हर परेशानियों से आपको छुट्टी मिल सकती है। दोस्तों, हिंदू पुराणों की माना जाए तो मकर संक्रांति का दिन जो होता है, इस दिन उत्तरायण गति से हमारे सूर्य भगवान अपना कार्य शुरू करते हैं। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो ये महीना होता है इसको दो पक्ष में बांटा गया है, शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष। इसी प्रकार से जो वर्ष होता है पूरा उसको उत्तरायण में और दक्षिणायन में बांटा जाता है। जो सूर्य भगवान होते हैं, जैसे ही मकर संक्रांति के दिन उत्तरायण दिशा से अपना काम शुरू करते हैं, माना जाता है इस समय से देवताओं का वास चालू हो जाता है। मतलब जब तक उत्तरायण चलता है तब तक देवताओं का वास धरती पर रहता है। माना जाता है इस वक्त की गई पूजा और साधना आपके जीवन में कई तरीके की परेशानियों को तो खत्म करती ही करती है। माना यह जाता है दोस्तों कि उत्तरायण के समय की गई साधना से सीधे आपको लाभ मिल जाता है। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो आपको हम एक बात बताने जा रहे हैं, कई बार आप लोग पंडितों के पास जाते हैं, एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या तांत्रिकों के पास जाते हैं, उनसे अपनी पूजा साधना वगैरह करवाते हैं, तो आपने देखा होगा कि इन सब चीज़ों का जो लाभ मिलता है वो थोड़ा धीरे धीरे मिलता है। परंतु मकर संक्रांति के दिन की गई पूजा एक ऐसी पूजा है जिस दिन अगर आप अपनी सिद्धि तय कर देते हैं तो मान के चलिए भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी, सूर्य भगवान जी, शनि महाराज जी और कई देवी देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। मतलब कि उत्तरायण के समय की गई साधना और पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है। अब जो साधना और क्रियाएं हम आपको बताने आ रहे हैं वो पौधों से संबंधित है। मतलब इन पौधों को अगर आप जड़ सहित उखाड़ करके मकर संक्रांति के दिन अपने घर पर ले आते हैं तो मान के चलिए जन जन्मांतर की गरीबी आपकी खत्म हो जाएगी। आपके घर पर धन आना बंद हो गया था, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे। आपकी किस्मत पर ताला लग गया था, किस्मत के ताले को चाबी लग जाएगी। इसी प्रकार से अगर आपका व्यापार ठप पड़ गया था, आपका व्यापार दौड़ने लग जाएगा। घर में सुख शांति रहेगी, सुख समृद्धि का वास होगा, पूरे घर का जो वातावरण रहेगा वो सकारात्मक ऊर्जाओं से भर जाएगा। आपके जो ग्रहों की चाल होगी वो आपके लिए बड़ी अच्छी हो जाएगी और आप अपने जीवन में उन तरक्कियों को छुएंगे, उन तरक्कियों को हासिल करेंगे जिसकी आपने कल्पना नहीं की थी। तो आप भी चाहते हैं कि शनि महाराज जी का, भगवान विष्णु जी का और माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिले तो कमेंट बॉक्स में आकर लिख दें जय माँ लक्ष्मी, जय भगवान विष्णु जी की और जय शनि महाराज। और अभी तक आपने वीडियो नहीं लाइक किया है तो पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हिंदू पुराणों की ऐसी जानकारी आपको प्रतिदिन मिलती रहे। अब दोस्तों, जो क्रियाएं, जो साधनाएं हम आपको बताने रहे हैं, इसमें आपका एक रुपए का खर्चा नहीं है, परंतु इन साधनाओं को करने से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म होने जा रही है। दोस्तों, ये साधनाएं हैं पौधों की साधनाएं। देखिए, हमने जैसा आपको पहले बता दिया, मकर संक्रांति का दिन ही एक ऐसा दिन होता है जिस दिन की गई साधना और जिस दिन की गई पूजा कभी भी खाली नहीं जाती है।
तो आप ऐसा क्या कर सकते हैं मकर संक्रांति के दिन जिससे माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आएं, भगवान विष्णु जी का आपको आशीर्वाद मिले और जन जन्मांतर की गरीबी परेशानी आपकी खत्म हो जाए। तो दोस्तों बहुत ध्यान दीजिएगा, जितनी भी क्रियाएं हम आपको बताने आ रहे हैं ये सारी क्रियाएं वास्तु शास्त्र से बताने जा रहे हैं, इसलिए बहुत ध्यान से कॉपी में इनको लिख लीजिए कि आपको शनिवार का दिन है मकर संक्रांति के दिन, मतलब 14 तारीख को है मकर संक्रांति, हो सकता है कि 15 तारीख को भी पड़े, तो आपको क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, क्या क्या आपको काम करना चाहिए मकर संक्रांति के दिन जिससे आपके जीवन में आपको सिर्फ लाभ का साथ मिले। तो सबसे पहली क्रिया है दोस्तों, मकर संक्रांति का दिन शनिवार को पड़ रहा है, मतलब 14 जनवरी 2023 को, इसका जो शुभ मुहूर्त है वो 1 बजे से शुरू हो जाएगा। तो आपको सिर्फ यह करना है कि मकर संक्रांति के दिन अगर आपके घर पर तुलसी का पौधा है तो बहुत अच्छी बात है, तुलसी का पौधा नहीं है तो शनिवार के दिन सूर्यास्त से पहले एक तुलसी का पौधा अपने घर पर ले आइए। ध्यान रखिएगा, जो तुलसी का पौधा होना चाहिए वो पीले गमले में लेकर आइएगा, क्योंकि तुलसी के पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है। शायद आप ये बात भी जानते होंगे कि तुलसी पौधे को माँ का दर्जा दिया जाता है, माँ की संज्ञा दी जाती है। तुलसी का पौधा अगर आप ले आते हैं तो माना जाता है कि आपके घर में जो भी नकारात्मक शक्तियों का वास था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है और पूरे साल आपके घर में सुख शांति का वास रहता है, सुख समृद्धि का वास रहता है। बहुत ध्यान दीजिएगा दोस्तों, हिंदू पुराणों के हिसाब से कभी भी तुलसी के पौधे को रविवार को नहीं छूना चाहिए, ये बहुत अशुभ माना गया है। अगर आप शनिवार के दिन तुलसी का पौधा अपने घर पर ले आते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से हर कष्ट चले जाएंगे। अब मान लीजिए आपके घर पर पहले से ही तुलसी का पौधा है तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, शनिवार से तुलसी के पौधे के सामने एक घी का दीपक जलाना चालू कर दीजिए। मकर संक्रांति का दिन बड़ा शुभ दिन है और शनिवार को ये पड़ रहा है, मतलब इस दिन के बाद आपके ग्रहों की चाल बदल जाएगी। शनिवार के दिन अगर आप एक घी का दीपक तुलसी के पौधे के सामने जलाते हैं तो यहाँ पर आपको शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। शनि महाराज जी के आशीर्वाद से आपके जीवन के जो ग्रह हैं जो बिगड़े हुए थे वो सही हो जाते हैं, आपके तारे आपके साथ देना चालू कर देते हैं एवं आपका दुर्भाग्य भाग्य में बदल जाता है। दूसरा पौधा जो अगर आप लाते हैं और आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए तो वह पौधा है सदाबहार का पौधा। दोस्तों ये एक ऐसा पौधा है जिसको अगर आप ले आते हैं तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी आपके घर पर जरूर वास करने आएंगी। सदाबहार का पौधा ही एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें लक्ष्मी माता जी के अष्ट रूप वास करते हैं, मतलब माता लक्ष्मी जी के जितने भी रूप हैं वो सदाबहार के पौधे में वास करते हैं। सदाबहार का पौधा अगर आप शनिवार के दिन सूर्यास्त से पहले अपने घर पर ले आते हैं तो मान के चलिए आप माता लक्ष्मी जी को आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आपके घर पर वास करने हैं। सदाबहार का पौधा बड़ी आसानी से मिल जाता है दोस्तों किसी भी नर्सरी से, अगर लाल गमले में इसको अपने घर पर आप लेकर आते हैं, इसकी देखभाल करते हैं तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी का आपको आशीर्वाद मिलना तय है, आपके घर पर धन का आगमन शुरू हो जाएगा, माता लक्ष्मी जी अपने दोनों हाथों से आपके घर पर धन की वर्षा करेंगी। इसलिए आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी आपके घर पर वास करने आए तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दें जय माँ लक्ष्मी। तीसरा एक ऐसा पौधा है जो आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल सकता है, आपके दुर्भाग्य को भाग्य में बदल सकता है, वो पौधा है दोस्तों विष्णुकांता। इस पौधे को माना जाता है अपराजिता, इसको कई जगह अपराजिता कहा जाता है, कई जगह विष्णुकांता कहा जाता है। इस पौधे को विष्णुकांता इसलिए कहा गया है दोस्तों क्योंकि भगवान विष्णु जी को इसके फूल बहुत ज़्यादा प्रिय होते हैं। बृहस्पतिवार को विष्णुकांता के फूल से अगर भगवान विष्णु जी की आराधना की जाए, पूजा की जाए तो मान के चलिए जन जन्मांतर के आपके जो पाप होते हैं वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। माना जाता है ये आपके दुर्भाग्य को भाग्य में बदल देता है, इतना ताकतवर पौधा होता है। इस पौधे को जब भी आपने देखा होगा तो एक जंगली पौधा समझ करके शायद नज़रअंदाज कर दिया होगा, लेकिन आज के बाद ऐसा मत कीजिएगा। मकर संक्रांति के दिन अगर आप विष्णुकांता, जिसको अपराजिता भी लोग कहते हैं, इस पौधे को अपने घर पर ले आते हैं तो मान के चलिए दोस्तों आपका दुर्भाग्य भाग्य बदल जाएगा। इस पौधे को अपने घर पर ले आइए, शनिवार के दिन इस पौधे को अपने घर पर लेके आइए, इसको स्थापित कर लीजिए और अच्छी तरीके से लगा लीजिए, इसकी देखभाल करना चालू कर दीजिए। प्रत्येक बृहस्पतिवार को, मतलब आने वाला जो बृहस्पतिवार होगा इस शनिवार के बाद, प्रत्येक बृहस्पतिवार को इसके सामने घी का दीपक जलाइए और विष्णु भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोल दीजिए। दोस्तों यह पौधा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए सबसे शुभ पौधा माना जाता है। इस पौधे के सामने अगर आपने बृहस्पतिवार को घी का दीपक जला करके अपनी मनोकामना भूली तो मान के चलिए खुद भगवान विष्णु जी आपको आशीर्वाद देंगे। भगवान विष्णु जी का किसी को भी अगर आशीर्वाद मिल जाए तो माना जाता है कि उसको आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। आकस्मिक का मतलब ऐसा आपको कोई बैग मिल जाएगा जिसमें बड़ा सारा धन होगा, सोना चांदी वगैरह होगा, और मान के चलिए आपके जीवन में जो दुर्भाग्य है वो भाग्य में बदल जाएगा। भगवान विष्णु जी का आशीर्वाद अगर आपको मिल जाता है तो आपके दुश्मन भी आपकी तरफ देखना छोड़ देंगे। तो हो सके शनिवार के दिन इस पौधे को जरूर लेकर आइएगा और वो भी सूर्यास्त से पहले। जितनी भी क्रियाएं हैं दोस्तों ये सूर्यास्त से पहले करनी है, सूर्यास्त के बाद नहीं करनी है। और जो बृहस्पतिवार को, अगले बृहस्पतिवार से आप लोग इसके सामने घी का दीपक जलाएंगे वो सूर्यास्त के बाद ही जलाएंगे, मतलब कभी भी जो घी का दीपक जलाया था शाम के वक्त वो सूर्यास्त के बाद ही जलाया जाता है। तो इन क्रियाओं को अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए गरीबी चली जाती है, परेशानी खत्म हो जाती है। आखिरी पौधा जो हम आपको बताने आ रहे हैं जो शनिवार को आप ला सकते हैं वह है शमी का पौधा।
शमी का पौधा, इसको कई लोग छुई मुई भी कहते हैं। इस पौधे की बड़ी मान्यता है दोस्तों, लेकिन इस पौधे की देखभाल करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस पौधे को अगर आप ले आते हैं तो साक्षात आपको शनि महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। शमी का पौधा अगर आप अपने घर पर लाते हैं तो मान के चलिए साक्षात शनि महाराज जी आपको आशीर्वाद प्रदान करेंगे। अगर मकर संक्रांति के दिन शमी का पौधा लाया जाए तो माना जाता है उस व्यक्ति के जो ग्रह हैं वो उसका साथ देना चालू कर देते हैं, उस व्यक्ति के जो तारे हैं वो उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उस व्यक्ति के जो परेशानियां हैं वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। मान लीजिए आपके दुश्मन आपके पीछे पड़े हुए थे जो आपको नष्ट करना चाहते थे, बर्बाद करना चाहते थे, हानि पहुँचाना चाहते थे, और शमी का पौधा आप अपने घर पर ले आते हैं तो मान के चलिए आपके जो भी दुश्मन हैं, जो भी आपके पीछे पड़े हुए हैं, वो कभी भी आपकी तरफ आंख उठा के नहीं देखेंगे। शमी का पौधा अगर आप अपने घर पर ले आते हैं और मकर संक्रांति के दिन लेकर आते हैं तो इससे ज़्यादा शुभ दिन कभी हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि इस दिन भगवान सूर्य जी महाराज शनि जी के पास जाते हैं मिलने, और यहाँ पर अगर आप शमी का पौधा ला रहे हैं तो भगवान सूर्य जी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं, शनि महाराज जी का भी आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। तो अगर आप शमी का पौधा लेकर आते हैं तो मान के चलिए आपको कई देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है, आपके बिगड़े हुए ग्रह अच्छे हो जाएंगे, आपके तारे आपका साथ देना चालू कर देंगे, और आपके जीवन से कष्ट हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी बातें थी जो वास्तु ज्ञान के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए थी, और इन सब क्रियाओं को करने में आपका एक रुपये का खर्चा नहीं है, परंतु इन क्रियाओं को करने से आपका पूरा साल बड़ा मंगलमय रहेगा, कल्याणकारी रहेगा, सौभाग्यशाली रहेगा, आपके घर पर सुख शांति का वास रहेगा, आपके जीवन से परेशानी हमेशा हमेशा के लिए चली जाएंगी। इसलिए दोस्तों हमारे चैनल पर वही जानकारी आपको मिलेगी जो आपके जीवन को बदल करके रख सकती है। इसलिए अभी तक आपने हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, आज ही तुरंत ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी, जय शनि महाराज लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि इनका आशीर्वाद मिलते साथ ही आपके जीवन से कष्ट हमेशा के लिए चले जाएंगे।